बाहरी उत्तरी दिल्ली के पूछखूद में युवक पर 4 राउंड फायरिंग, बाल बाल बचाए युवक। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में भी कैद। जिस व्यक्ति पर चलाई गई गोलियां वह भी इलाके का है। घोषित बदमाश पहले भी धर्मेंद्र नाम किसी व्यक्ति पर हो चुका है जानलेवा हमला। सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग की पूरी वारदात कैद। हमलावर भी भागते हुए साफ दिखे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू की। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक बानगी आज दिल्ली के पूछखूद इलाके में देखने को मिली, जहां बाइक पर आए कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ 4 राउंड गोलियां चलाई। यह तो गनीमत रही कि इस हमले में धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति बाल बाल बच गया। फायरिंग की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें आरोपी आते हुए और उसके बाद हमला करके भागते हुए भी साफ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कल मंगलवार शाम के वक्त धर्मेंद्र नाम के युवक के ऊपर 2 लड़कों द्वारा फायरिंग की गई। हमलावर धर्मेंद्र के घर से कुछ दूरी पर अपने मोटरसाइकिल को खड़ा करके हाथ में पिस्टल लेकर आए थे और धर्मेंद्र के ऊपर करीब 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें धर्मेंद्र बाल बाल बच गया। बाहरी उत्तरी जिले के डीसीपी ने टेक्स्ट मैसेज के जरिए बताया कि यह कोई गैंगवार नहीं है और जिसके ऊपर फायरिंग हुई है वह भी उस क्षेत्र का घोषित बीसी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। सर आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, अभी कुछ टाइम पहले फायरिंग वगैरह हुई है, क्या मामला था पूरा? मामला तो भाई साहब, हम तो अंदर बैठे थे, फायर की आवाज सुनी, बाहर निकल गए। अच्छा, बाहर निकल गए तो एक लड़का तो गली में भाग रहा था, 2 लड़के उसके पीछे भाग रहे थे। कितने राउंड समथिंग यहाँ फायरिंग की गई है? 6 राउंड। तो किसी को गोली वगैरह लगी है? ना, किसी को नहीं लगी। जान मान का किसी को नुकसान नहीं? क्या लग रहा था किस घटना को देख रहे अंजाम देने? भाई साहब, अंजाम को किस चीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धर्मेंद्र पर कई साल पहले की फायरिंग भी हुई थी, जिसमें गोली उनके कंधे पर लगी थी। फिलहाल अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।